नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में सोमवार को नेहरू हॉल में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन मंडल इकाई द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के तीनों जिले आजमगढ़, मऊ व बलिया की टीमों ने भाग लिया। आजमगढ़ जिले के सभी फार्मेसी कॉलेज से प्रशिक्षु फार्मासिस्ट ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षु फार्मासिस्ट ने वाद विवाद प्रतियोगिता की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में बताया कि इस दिवस का आयोजन फार्मासिस्टों का स्वास्थ्य सेवाओं में कितना योगदान है तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे लाई जाए। दरअसल विश्व फार्मासिस्ट दिवस वर्ष 2009 में पूरे विश्व में FIP के द्वारा शुरू किया गया। इस साल भी थीम फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव, जयकृष्ण चौधरी, जयनाथ, प्रवीण कुमार, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अफसर, आरके पांडे, हरेंद्र यादव, नोमान खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे वर्ल्ड में एक इस्तांबुल की संस्था है, उसने 2009 में मनाना शुरू किया था। तो 2009 से पूरे विश्व में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। उसी के तहत इंडिया में हमारा संगठन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो कि देश का सबसे बड़ा संस्था है, फार्मासिस्टों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ता है। उसी के तहत यूपी के 75 जिलों में और देश के 18 प्रदेशों में हम कार्यरत हैं। वहाँ आज के दिन हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उद्देश्य देखिए, जैसे आप डॉक्टर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, नर्स डे होता है, उसी की तरह एक फार्मासिस्ट डे होता है जो कि 25 सितंबर का होता है। यहाँ पे हम इकट्ठा होकर के अपने प्रोफेशन को कैसे अच्छा करें, हर प्रोफेशन का एक अपना दिन होता है, वैसे ही आज हमारा दिन है और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने प्रोफेशन को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाएं, नए बच्चे हैं उनको समझाया जाए कि हमें आगे चल के क्या करना है, कैसे अपने भविष्य के साथ साथ हमारा जो प्रोफेशन है जनता के हितों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चिकित्सा जगत की हम रीढ़ कहे जाते हैं। एक डॉक्टर अगर आपको पर्चा लिख करके दे देता है, आप अपनी बीमारी बताते हैं, उसके बाद का टोटल रोल जो होता है वो फार्मासिस्ट का होता है। कैसे आपको दवा खाना है, कब खाना है, उसके डोजेज क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये फार्मासिस्ट बताता है। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि अभी हमारी भारत की जनता उतनी जागरूक नहीं है। विदेशों की जनता इस प्रोफेशन को जानती है तो इसका महत्व समझती है। दवा बनाने से लेकर दवा देने तक का काम फार्मासिस्ट का है। आपको याद होगा, कोरोना पेंडेमिक से पूरा विश्व जब त्रस्त था, तो जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो भी किसी फार्मासिस्ट ने ही इस लैब में बनाया था। कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पे रक्त शिविर का आयोजन हुआ है, कहीं गरीबों में निःशुल्क फल वितरण का आयोजन हुआ है, कहीं पे अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वॉक और क्या बोलते हैं टॉक शो आयोजित किया गया था, जिसमें उन जो विजेता हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।